नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपका वेलकम कर रहे हैं अपने चैनल पे और आपको बताना चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आपकी जॉब्स चली गई हैं, तो आप इसके लिए परेशान नहीं हुई। आज हम आपसे फिर से अपने बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप घर में भी बैठ करके बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें कर सकते हैं और जिनको करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैकिंग के बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं और पैकिंग करके आप चाहें तो मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे अपना बिजनेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और अच्छा अर्निंग का आपका जो है वो पैकेज बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें आपके शहर में जो है थोक का सामान मिलता है कहीं पे भी, आपको किसी भी शहर से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी प्रदेश से हो, आप ये बिजनेस अपने घर के आसपास से भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, हर दुकानों में सामानों की जरूरत होती है, एक अच्छा पैकिंग की जरूरत होती है, पैकिंग करके सामान लोग देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैकिंग करके ये देना है। आपने देखा होगा बहुत से लोग आजकल जो है नए नए साधन से पैकिंग का काम कर रहे हैं और मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ पैकिंग का काम है और आपके घर में जो और भी मेंबर्स हैं वो भी इस काम से जुड़ सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। ये देखिए, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, इन चॉकलेट्स की आपको पैकिंग करनी है। ये डेयरी किंग चॉकलेट है, ये बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है, इवन बड़े भी चॉकलेट्स खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। तो दोस्तों, आप सब इस चॉकलेट की पैकिंग का आज हम आपको बिजनेस शेयर करने जा रहे हैं। तो आपको जो है इसी के पैकिंग का बिजनेस जो है आइडिया शेयर करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे इनकी पैकिंग करनी है। इसका देखिए दोस्तों, डेयरी किंग का इस टाइप से आपको एक बॉक्स मिल जाएगा और इसी बॉक्स में आपको इनकी पैकिंग करनी होगी। तो हमारे पास ये चॉकलेट्स हैं, हमें इनकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करते वक्त कुछ बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि जो भी जिस जगह पे आप पैकिंग कर रहे हैं वहां पे साफ सफाई हो, वहां पे कुछ भी गंदा ना हो, पानी ना हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से घर में बैठ करके पैकिंग का बिजनेस जो है आप अपना सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारे बिजनेस आइडियाज पसंद आते हैं, तो आप प्लीज इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप इसे देखें, हम आपके साथ बहुत सारे बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपना करके अपनी लाइफ में एक अच्छा जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठ करके काम करना है तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें इस बिजनेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी को जब पता चलता है कि आप वर्क कर रहे हैं, इस टाइप का कोई काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो है वो आपको घर बैठे पैकिंग का सामान देती है, पैकिंग कराती है आपसे। तो दोस्तों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने देखा हमारे पास ये हमारे पास डेयरी किंग चॉकलेट्स हैं, तो आपको इसमें पैक करना है। तो ये जितनी चॉकलेट्स हैं हम इसमें पैक करते चले जाएंगे और इस तरीके से पैक करेंगे कि इनका लिखा हुआ एक ही तरफ आए और इस तरीके से इसको बहुत ईजली जो है हमें इस बॉक्स में रखते चले जाना है, क्योंकि ये बॉक्स इसी चॉकलेट के उसका है। तो आपको इस तरीके से रख देना है इसमें और इस तरीके से रखते चले जाइए। इस तरीके से आप कर देंगे तो ये अच्छी पैकिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पैकिंग करनी है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में और लोग हो तो वो भी ये काम कर सकते हैं। पर पैकिंग जो है आपको 10 रुपीज मिलेंगे, तो इस बॉक्स पे यानी कि आपकी अर्निंग 10 रुपीज की हो जाएगी। तो आप जितना ज्यादा पैक करके देंगे फ्रेंड्स, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही सीरियल वाइज में हम इसको पैक करें, जैसे हमने लिखा है एक जगह से डेयरी किंग, तो वो एक ही जगह से डेयरी किंग दिखाई दे। और इस तरीके से ये सारे चॉकलेट्स हमने इसमें रख दी हैं और ये पूरा डब्बा जो है वो फिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से पूरी पैकिंग करनी है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठ करके आप ये काम कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको सारा काम करना है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया पसंद आएगा और आप इसे जरूर करें और घर बैठ करके जो है आप इसमें जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा बॉक्स तैयार कर लिया है, पर जो बॉक्स होता है वो आपको 10 रुपीज मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक चॉकलेट जो होती है वो 15 रुपीज की मिलती है और इस तरीके से आपको सारा ये पूरा जो है चॉकलेट का बॉक्स तैयार करके मार्केट में सप्लाई कर देना है। आप चाहें तो इसका अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी टॉफीज होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, जिनको आप पैक करके मार्केट। तो
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको पैकिंग करना बताया, आप इस तरीके से पैकिंग कर सकते हैं बहुत आराम से, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से पैकिंग करनी है, तो आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। इस तरीके से बस इसको आपको सीरियल वाइज इसमें लगाते चले जाना है बॉक्स में, एक अच्छी तरीके की पैकिंग हो। पैकिंग करते वक्त भी काफी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि चीज साफ हो, सुथरी हो और हम अच्छे से पैकिंग करके दें जिससे कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पैकिंग का बिजनेस कर सकते हैं, घर बैठे आपको ये बिजनेस करना है, कहीं पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके घर में जो और लोग हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी, ये काम कर सकते हैं। आप किसी भी गाँव से हो, प्रदेश से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, आप इस काम को बहुत आसानी से अपने घर से बैठ करके कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट पैकिंग का बिजनेस मैंने आपको बताया है। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स आप टॉफीज का है, बिस्किट्स का है, सब टाइप की पैकिंग का आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडियाज हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये चाहे आप मार्केट में सप्लाई करें या चाहे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है आपकी लोकल आईडी होनी चाहिए, और अगर आपके पास आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप बड़ी आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा ये बिजनेस आइडिया पसंद आता है, आप इससे जरूर जुड़े, हमारे चैनल से जरूर जुड़े, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में अगर जॉब चली गई तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ करके इसकी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको बता रही हूँ कि आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से घर से बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपना भी बिजनेस बना सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे लघु उद्योग जो आप करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मेक इन इंडिया, तो आप उस फॉर्म पर चल के आप अपना ये बिजनेस, आप अपना ये लघु उद्योग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया कि किस तरीके से पैकिंग करनी है, किस तरीके से आपको जो है इसमें अर्निंग होगी। मैंने आपको बताया कि इस एक बॉक्स पे आपको 10 रुपीज की अर्निंग होगी, तो आप जितने बॉक्स आप तैयार करेंगे, जितने आप जो है पैकिंग करेंगे, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होती जाएगी। तो एक दिन में आप जो है 500 से 600 रुपए बहुत आसानी से अपने घर में बैठ करके कमा सकते हैं, यानी महीने के आप 20,000 रुपए आपके कहीं नहीं जाते, आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। आपके घर में जो और भी मेंबर्स हैं वो भी इस काम से जुड़ सकते हैं, आपके जो गांव में और जो रहती हैं जो महिलाएं हैं वो भी इस काम से जुड़ सकती हैं, इसको बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो दोस्तों इस काम को जरूर कीजिए और अर्निंग का साधन इसको बनाइए। तो आप इसको देख लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से पैकिंग करें, किस तरीके से आप इसमें बस सीरियल वाइज आपको रखते चले जाना है और बॉक्स को पूरा जो है वो फिल कर देना है, एक ही साइड में इसके नेम के जो हो एक सीरियल वाइज हो इस चॉकलेट के, इस तरीके से आप जो है इसको रखते चले जाएं और ये पूरा डब्बा जो होता है वो उसको आप फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से जब ये फिल हो जाए, देखिए इस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये फिल हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा बॉक्स फिल करके आप जो है मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपना भी बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये बिजनेस आइडिया पसंद आता है तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम आपके साथ अगले चैनल में। ओके नमस्कार, बाय।